गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुकेश जाधव आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। इसमें टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं कि वो वर्ब जो है वो फिल करने के लिए आती है, कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस आते हैं तो उनको कैसे करेंगे। तो आज 2007 यूपी बोर्ड के एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए थे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। सो डियर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डू नॉट कम अनटिल, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था बेटा कि जहां टिल अनटिल होगा, इनकेस होगा, सपोजिंग होगा, प्रोवाइडेड होगा, उसके बाद वाला जो क्लॉज होता है वो किस में होता है बेटा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस के साथ दूसरा वाक्य ध्यान रखना प्रेजेंट का होता है, और वो भी हम किसका बनाएंगे बेटा, इंडेफिनिट का बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग फिनिश आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माय फादर विल गो होम व्हेन द रेन। अब देखो बेटा, आपको बताया था फ्यूचर के साथ दो पॉइंट आपको याद रखने, एक तो इंपरेटिव सेंटेंस के साथ और एक फ्यूचर टेंस के साथ। जो दूसरा टेंस होगा ध्यान रखना वो प्रेजेंट का होगा, और उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना तो काफी आप गलतियां कम करो, ठीक है। तो ये एक फ्यूचर का है, दूसरा बाकी आपको एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बनानी है। ये वर्ब आपको यूज करनी है सेंटेंस में, स्टॉप यूज करना तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि रेन जो है वो एक वचन है। नेक्स्ट है आपका, द थीफ डॉट डॉट बाय द पुलिस। देखो अरेस्ट है, यहाँ पर अरेस्ट वर्ड यूज करना है। तो अब देखिए, चोर को पुलिस ने पकड़े, देखो तो वाई लगा हुआ है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है, पकड़ लिया, यानी पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट को हम यूज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस सक्रिय लगाएंगे, वॉज अरेस्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए टुमारो ध्यान करेंगे, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ आने पर, सून आने पर, बाकी होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो कम का हम यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा बेटा, विल कम हो जाएगा, विल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर डॉट डॉट अ हाउस यस्टरडे। तो जहाँ यस्टरडे आया हो, इन द पास्ट आया हो, लास्ट आया हो, वो टेंस जो होता है बेटा वो पास्ट में फिर टेंस में होता है, तो इसका हो जाएगा बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है वाइल से जब दो वाक्य जुड़े होंगे तो दोनों कंटिन्यूस में होते हैं, और दोनों एक ही कंटिन्यूस होगा, अगर ये पास्ट कंटिन्यूस है तो अगला भी पास्ट कंटिन्यूस में ही होगा, यानी वॉज राइटिंग, ये जो राइट वर्ब है वो हमें यूज करनी है सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डॉट 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 ऑलरेडी अवर लंच। जो ऑलरेडी आता है हमेशा परफेक्ट टेंस में आता है, परफेक्ट कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी। तो वी हैव ऑलरेडी ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, He cut firewood 4 hours. तो समय के साथ सेंस या 4 आ जाएगा तो बाकी परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। तो he has been cutting. नेक्स्ट क्वेश्चन है, When I entered the room, my father dot 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 some letters. अब देखिए, आपको एक नियम दिखाया था टाइम एंड टेंस में, बैकग्राउंड इवेंट बताने के लिए, बैकग्राउंड इवेंट बताने के लिए वैन से वाक्य जुड़ा होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ टाइप को पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करना है, तो ये हो जाएगा वॉच टाइपिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आई विश बी विश ओ दैट गुड दैट के बाद अगला वाक्य जो बनाते हैं बेटा किसमें आप ध्यान करेंगे, पास्ट में टाइम बनाते हैं, और बी फॉर्म का मतलब है वहां हमें यूज करना है, आपको ध्यान होगा इसके बाद आपको बताया था, एक वचन दोनों ही बहुवचन कर्ता हो तो हम वर लगाते हैं, चाहे कर्ता एक वचन हो अथवा बहुवचन हो, बी फॉर्म के रूप में। नेक्स्ट है, सी डॉट डॉट सिंस 2 o'clock।
तो समय के साथ सिंक से फ्लोर आएगा तो बाकी परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो वर्क को जो हम यूज करेंगे हैज बीन वर्किंग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पेशेंट डायड आफ्टर डॉट डॉट डॉट। हाँ देखो आफ्टर या बिफोर से दो वाक्य जुड़े होते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट होता है दूसरा पास्ट परफेक्ट परफेक्ट होता है। आफ्टर के पहले वाला इंडेफिनिट होता है दूसरा परफेक्ट होता है, तो ये हो जाएगा बेटा हैड और गॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हैज द पियोन। अब देखो हैजेड हैव जो आता है परफेक्ट टेंस में आता है, और हैज हैड के साथ हमेशा ध्यान रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिंग की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, सॉरी सेकंड फॉर्म रिंग और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन द बॉयज डॉट डॉट आर क्रिकेट मैच फॉर 2 आवर्स। तो समय के साथ सिंस या फोर आने पर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्ले की बेटा जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। बॉयज हैव बीन प्लेइंग। नेक्स्ट है माई सन डॉट डॉट वर्क बिफोर आई केम। अभी आपको बताया था अपना बिफोर से दो वाक्य जुड़ेंगे तो पहला पास्ट परफेक्ट होगा दूसरा पास्ट इंडेफिनिट होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ फिनिश का यूज करना है पास्ट परफेक्ट में हैड फिनिश्ड। अगला यहाँ देखिए ऑट आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल ही आपको याद रखना है। सभी मॉडल्स के बाद बेयर इंडेफिनिट आता है अर्थात टू नहीं आता है, लेकिन ऑट अकेला ऐसा मॉडल है जिसके बाद बेटा टू आता है, तो ये आएगा यू ऑट टू ओवे। ये योर है और यहाँ पे दब गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय मदर इन प्लेस सिंस 1975। तो समय के साथ सिंस और फोर आने पर परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो आपका आना चाहिए बेटा हैज बीन लिविंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम विल बी फुटबॉल। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बी जो फॉर्म होती है, बी में आप जानते हो बी स्वयं आता है, उधर आपका इज आर एम आता है, आपका वॉज वर आता है। इनके बाद आपको ध्यान रखना है दो ऑप्शन खुलते हैं, एक तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कोई फॉर्म आ नहीं सकती। अगर एक्टिव वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म होगा कंटीन्यूअस में, या पैसिव वर्ब है थर्ड फॉर्म होगा। तो राम विल बी प्लेइंग, तो यहाँ ये आएगा बड़ा ये कंटीन्यूअस होगा, ये पैसिव वर्ब है नहीं, प्लेइंग आएगा। नेक्स्ट हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा ध्यान रखें हैज हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये सीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल फॉर टेस्ट डोंट डिस्टर्बिंग। अब देखिए यहाँ फुल स्टॉप लग गया, अब यहाँ देखेंगे स्टडी वर्ब हमें यूज करना है। अब देखो उसे डिस्टर्ब मत करो, यानी अनिल टेस्ट के लिए पढ़ रहा है, तो अनिल इज स्टडिंग फॉर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको बताया था यस्टरडे इन द पास्ट लास्ट एगो जो आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो मीट की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट में मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे डॉट डॉट डाउन द ट्री। अब कट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है तो कट लगा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बन जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट भी बन जाएगा कट लगाने से। नेक्स्ट यू विल बी बाय द टीचर, बाय आया है थोड़ा पैसे पास है, और फिर बी के बाद तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए फोर गिवन। नेक्स्ट क्लास, हाँ बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। मच मोर, अब देखिए टू बी डन तो मच के अकॉर्डिंग आएगा, तो हाँ रिमेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अभी बहुत कुछ काम है करने के लिए रिमेंस। सो डियर फ्रेंड्स ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट क्लास जो 10th के बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होगी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आपको लाइक शेयर जरूर करिएगा और नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन गुड बाय।